डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज के इकोनॉमिक्स क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, मींस आय, रोजगार और उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आय या उत्पादन का संतुलन स्तर क्या है, और जो ये संतुलन स्तर है इससे संबंधित दो विचारधाराएं हैं। पहली तो है परंपरावादी विचारधारा और दूसरी है केन्ज, जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं बहुत ही फेमस, उन्होंने दी थी, उसको हम केन्जियन विचारधारा बोलते हैं। तो इन दोनों विचारधाराओं को हम समझेंगे और उसके बाद हम ये भी करेंगे कि जो इस संतुलन की स्थिति है क्या ये हमेशा पूर्ण रोजगार में प्राप्त होती है या फिर ये अल्प रोजगार और अति पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी प्राप्त हो सकती है। और नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि एडी वक्र में गतिशीलता, मींस एडी वक्र पर ही मूवमेंट और एडी वक्र का खिसकाव, मतलब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, समग्र मांग वक्र है, वो क्या लेफ्ट और राइट साइड में शिफ्ट हो सकता है, उसके बारे में हम समझेंगे। और आखिरी हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा एक खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्धारण, मींस खुली अर्थव्यवस्था मींस जो बाकी देशों के साथ भी डील करती है, अपनी घरेलू सीमा में ही वो सीमित नहीं है, बाकी देशों के साथ भी उसका संबंध है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, तो आज का फर्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। आय या उत्पादन का संतुलन स्तर, मींस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। यदि हम आय बोल रहे हैं या उत्पादन के स्तर की बात कर रहे हैं तो दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप बच्चों ध्यान रखना। आय या उत्पादन के संतुलन स्तर से भी प्राय उत्पादन के उस स्तर से है जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति के बराबर होती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मीन्स ए एस तो हो गया एग्रीगेट सप्लाई, मीन्स समग्र पूर्ति, और ए डी है समग्र मांग, मीन्स एग्रीगेट डिमांड। तो जहां ये दोनों बराबर हो जाते हैं वही क्या है अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर होता है। और जो ए एस है मीन्स समग्र पूर्ति, ए एस उसका मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह को हम एग्रीगेट सप्लाई का नाम देते हैं। इसे मूल्य वृद्धि या आय के सृजन के रूप में भी जाना जाता है, और आय के दो घटक होते हैं, पहला तो है उपभोग और दूसरा है बचत। तो यदि हम इस तथ्य की ओर चलते हैं तो मीन्स समग्र पूर्ति जो है मीन्स एग्रीगेट सप्लाई वो आय के बराबर होती है, वाई आय मीन्स राष्ट्रीय आय की बात हो रही है यहाँ पर, और ये जो इनकम होती है किसका जोड़ होती है, ये कंजम्पशन मीन्स उपभोग और सेविंग इन दोनों का योग होती है। और जो समग्र मांग है वो क्या है, समग्र मांग मीन्स एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की समग्र मांग से है, मीन्स पूरी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु और सेवाओं की मांग की जाती है उन सबको यदि हम जोड़ देते हैं तो वो समग्र मांग कहलाती है। इसे वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले समग्र व्यय के रूप में भी मापा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एग्रीगेट डिमांड है इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, पहला तो है उपभोग व्यय और दूसरा है निवेश व्यय। मीन्स इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समग्र मांग मीन्स एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स उपभोग व्यय मीन्स सी और निवेश व्यय मीन्स आई। तो मीन्स इस तरह से ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन आ गई। और जो इक्विलिब्रियम है मीन्स जो संतुलन का स्तर है वो कैसे तय होता है, जहां पर ए एस ए डी के बराबर हो जाता है। और यदि मैं ए एस को इस तरह से लिख दूं सी प्लस एस जो अभी हमने डिस्कस किया था, और ए डी किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के। अब ये जो फैक्टर है कॉमन है ये कट हो गया, तो मीन्स इक्विलिब्रियम कब होगा, यदि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, मीन्स बचत जो है वो निवेश के बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम एक तो जो संतुलन स्तर है उसको हम समग्र पूर्ति समग्र मांग अवधारणा के आधार पर करेंगे, और दूसरा हम जो करेंगे वो करेंगे बचत तथा निवेश अवधारणा के आधार पर संतुलन के स्तर को ज्ञात करना। और आय या उत्पादन के संतुलन स्तर से संबंधित दो विचारधाराएं हैं जिसका हमने शुरुआती उसमें डिस्कशन भी किया था। एक तो है परंपरावादी विचारधारा मीन्स क्लासिकल फ्रेमवर्क की बात करेंगे एक तो हम, और दूसरा हम पढ़ेंगे
केंज इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी केंजियन विचारधारा। तो पहले हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो अपनी फ्रेमवर्क दिया, जो उनका सोचना था, वो क्या मानते थे कि जो यदि बाजार मुक्त बाजार हो, मुक्त बाजार मतलब अर्थव्यवस्था कैसी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है तो किसे बोलते हैं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से यदि सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो समग्र पूर्ति, समग्र मांग के जो बराबर अपने आप से हो जाती है, मतलब ये जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाती है, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। और दूसरा वो क्या मानते हैं कि संतुलन की स्थिति में हमेशा ही पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है, मतलब संतुलन उस स्तर पर आएगा जहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका जो दृष्टिकोण था वो निर्भर कर रहा था इकोनॉमिस्ट से के बाजार नियम पर और मजदूरी कीमत लोचशीलता पर। तो ये से जो है इकोनॉमिस्ट, उनका बाजार नियम क्या था कि समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है, जिसके हम शुरू से ही डिस्कशन कर रहे हैं कि संतुलन की स्थिति में ASAD के बराबर होता है। और से इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो पूर्ति है वो अपनी मांग का स्वयं ही निर्माण कर लेती है, इसलिए इन दोनों में समानता पाया जाना क्या है, वो एक सामान्य सी घटना है। और दूसरा जो तथ्य है वो क्या है, दृष्टिकोण कि मजदूरी कीमत लोचशीलता पाई जाती है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने क्या माना है कि जो सरकारी हस्तक्षेप है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो मजदूरी की दर पूर्णतः लोचशील होती है। तो मीन्स मजदूरी दर में वृद्धि या कमी जो है वो श्रम बाजार में श्रम की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करती है। यदि मैं श्रम की पूर्ति को सप्लाई ऑफ लेबर SL से शो कर रही हूँ और जो इनकी मांग है मीन्स डिमांड फॉर लेबर है उसको DL से शो कर देती हूँ, तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जो श्रमिक हैं उनकी सप्लाई ज्यादा हो रही है मांग से, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो वेज रेट है वो गिर जाएगा, मजदूरी की दर जो है वो गिर जाएगी अपने आप। और इसके गिरने की वजह से क्या होगा, ये जो सप्लाई ऑफ लेबर है, श्रम की जो पूर्ति है वो कम हो जाएगी, किंतु मांग बढ़ेगी, तो वापस ये क्या होगा, कैसी स्थिति आ जाएगी, वापस फाइनली ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर के बराबर हो जाएगी। यदि ऐसा होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कम है और डिमांड फॉर लेबर ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेज रेट बढ़ेगा, वेज रेट के बढ़ते ही क्या होगा कि श्रमिक ज्यादा काम करने को तैयार हो जाएंगे, उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन मांग जो है वो कम हो जाएगी, तो फाइनली फिर से ये वाली सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो पूर्ति वगैरह उसकी शेप कैसी होगी उसको अभी हम इस डायग्राम से करेंगे। तो इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक मुक्त अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तो यदि पूर्ण रोजगार है तो मतलब क्या हुआ कि उत्पादन कैसा होगा, वो अपने उच्चतम और स्थिर स्तर पर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं OX एक्सिस पर उत्पादन का स्तर दिखा रही हूँ, मीन्स आउटपुट लेवल शो कर रही हूँ, और OY स्तर पर प्राइस लेवल शो कर रही हूँ, तो नेचुरली ये जो उत्पादन का स्तर होगा वो प्राइस लेवल से इफेक्टेड नहीं होगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कैसी होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगी। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व मैंने ड्रॉ की है और ये शो क्या कर रही है कि उत्पादन का स्तर क्या है, यदि OQ हम यहाँ दर्शा रहे हैं, तो ये जो OQ स्तर है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट को दिखा रहा है, अपने उच्चतम स्तर को दिखा रहा है, और ये स्थिर रहेगा कीमत के जो परिवर्तन होने पर, कीमत परिवर्तित हो रही है लेकिन उत्पादन यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अब हम परंपरावादी समग्र मांग वक्र की डिस्कशन कर लेते हैं कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार यदि हम मीन्स OX एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड मीन्स समग्र मांग को दर्शा रहे हैं और OY एक्सिस पर प्राइस लेवल मीन्स कीमत के स्तर को दर्शा रहे हैं, तो इन दोनों में आपस में विपरीत संबंध होता है। और यदि विपरीत संबंध है दोनों में तो नेचुरली जो समग्र मांग वक्र है उसका ढलान कैसे होगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा।
तो बच्चों ये आपके सामने एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ है। तो मीन्स यदि कीमत का स्तर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, और यदि कीमत कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मीन्स ये जो एडी वक्र है ये उसी संबंध को दर्शा रहा है। तो समग्र पूर्ति तथा समग्र मांग के द्वारा संतुलन बिंदु का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सिचुएशन तो कर ली जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाती है, वो क्या होगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा, वो अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु होगा। तो अभी मैंने आपको AS और AD कर्व ड्रॉ करने सिखाए थे, तो ये कर्व क्या है, ये वाला कर्व जो बना हुआ है वाई एक्सिस के जो पैरेलल है, ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और ये जो नेगेटिवली स्लोप कर्व है अभी हमने डिस्कशन किया था इस पर, ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व, और ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल शो किया है, ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लेवल शो किया है। तो बच्चों जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मीन जो ये पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, ये जो सिचुएशन है ये हम अचीव कर पा रहे हैं, मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह से ADAS अप्रोच की हेल्प से जो इक्विलिब्रियम है इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की दी हुई ADAS अप्रोच से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया था, उसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं बचत निवेश दृष्टिकोण की, मीन्स SI अप्रोच की हेल्प से हम किस तरह से इक्विलिब्रियम गेन कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या है मानते हैं कि उनके अनुसार बचत जो है ब्याज की दर का फलन है, बचत मतलब सेविंग, तो वो फंक्शन है मीन्स फलन है ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो मैंने बचत को ऐसे शो किया है और ब्याज की दर को स्मॉल आर से शो कर दिया है। तो जो ये इकोनॉमिस्ट हैं ये मानते हैं कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग बढ़ती है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो सेविंग भी कम होती है। तो मीन्स इन दोनों में आपस में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्यक्ष संबंध होने का मतलब क्या है, यदि हम सेविंग कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कैसी होगी, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी। यदि मैं इस डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर सेविंग शो कर रही हूँ और ओ वाई एक्सिस पर, ये ओ वाई एक्सिस है, इस पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो कर देती हूँ, तो ये जो सेविंग कर्व है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगी। तो ये है हमारी सेविंग वक्र, SS सेविंग वक्र है, जिसका ढलान कैसा है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, धनात्मक ढलान है इसका। और इन इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो निवेश है वो भी ब्याज की दर का फलन है। निवेश को आई से अगर हम शो कर देते हैं, ब्याज की दर को स्मॉल आर से शो कर देते हैं, तो मीन्स जो आई है निवेश है वो भी किसका फलन है, वो ब्याज की दर का फलन है। लेकिन इन दोनों में आपस में नेगेटिव रिलेशन है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जो निवेश है वो कैसा होगा, कम होगा, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो निवेश बढ़ेगा। तो इस संबंध के हिसाब से, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो कैसी होगी, यदि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी शो कर दूं, एक्स एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट भी शो कर दिया हमने, तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो कैसी होगी, वो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होगी। तो ये आई जो है ये क्या है, ये हमारी निवेश वक्र को दर्शा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर्व को ही शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो मतलब हमें संतुलन के स्तर की जानकारी भी लेनी है। तो संतुलन कहाँ पर होगा, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में ये स्तर कैसे शो हो रहा है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो मीन्स इस पॉइंट पर ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और इस को यदि हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं एक्स एक्सिस से, तो मीन्स हमारी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसका लेवल कितना है, वो है ओ एल, और इस स्थिति में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है ओ आर। तो ये हो गया संतुलन, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। और यदि अर्थव्यवस्था में किसी भी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़कर ओ आर वन हो जाता है, तो यदि मैं इसको यहाँ नेम दे दूं ए पॉइंट ये और ये है बी पॉइंट, तो ये पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं कि ब्याज की दर ओ आर वन हो गई बढ़कर, तो इस स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, वो है आर वन ए, और जो सेविंग है वो कितनी है, वो है आर वन बी। तो मीन्स इस स्थिति में
सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो असंतुलन हो गया। लेकिन ये जो असंतुलन है ये कुछ समय तक रहेगा, ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो इस स्थिति में, क्योंकि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप गिर जाएगा, और तब तक गिरता रहेगा जब तक ये वापस OR ना हो जाए। इसी तरह यदि किसी कारणवश जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होकर OR2 हो जाता है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस स्थिति में यहाँ भी यदि मैं इन पॉइंट्स को नेम दे दूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सेविंग कर्व को कट कर रहा है और यहाँ ये इन्वेस्टमेंट कर्व को कट कर रहा है, तो मैंने इनको नेम दे दिया। तो इस ब्याज की दर पर OR2 पर जो सेविंग है वो तो कितनी है, R2A1, और इन्वेस्टमेंट है R2B1। तो मींस ये क्या शो हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है इस स्थिति में, इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है। तो ये सेविंग के कम होने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो OR2 से बढ़कर OR हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम फिर से अचीव हो जाएगा। तो ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उनमें इस तरह से चेंज आना शुरू हो जाता है कि अपने आप से जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाता। तो जिस तरह से अभी तक हमने परंपरावादी विचारधारा के बारे में डिस्कशन किया था, और हमने AS=AD इस अप्रोच की मदद से, और एक सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, इन दोनों अप्रोचेस की मदद से हमने संतुलन स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम जो केंज इकोनॉमिस्ट हैं उनकी केंजियन विचारधारा के अंतर्गत आय और उत्पादन के स्तर की जो है डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम ASAD अप्रोच की बात करेंगे। तो केंज के अनुसार जो समग्र पूर्ति और समग्र मांग, उनमें समानता या संतुलन तब भी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में न हो। तो मींस जो केंज हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की इस बात का विरोध करते हैं कि संतुलन हमेशा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति में होता है। तो केंज के अनुसार ये जो संतुलन है ये अल्प रोजगार की स्थिति में भी हो सकता है। तो मीन्स उनके हिसाब से जो संतुलन है उसमें ये हो सकता है कि कुछ साधन कैसे हैं बेरोजगार रह जाते हैं। तो मीन्स संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले भी हम अचीव कर सकते हैं। केंज की दी हुई ADAS अप्रोच की हेल्प से इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो समग्र पूर्ति फलन है उसको समझना होगा। तो केंज के अकॉर्डिंग जो AS फंक्शन है, मीन्स जो AS वक्र है, वो आय के स्तर तथा रोजगार के स्तर को प्रकट करती है, और आय तथा उत्पादन में वृद्धि रोजगार में वृद्धि के अनुपात में होती है। केंज ने माना है कि जो तकनीक है वो कैसी है, वो स्थिर है, और तकनीक स्थिर है तो जो उत्पादन या का लेवल है, आय का लेवल है, वो कैसे बढ़ेगा, यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसी अनुपात में जो आउटपुट है मीन्स इनकम है वो भी बढ़ेगी, यदि एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम भी कम हो जाएगी। इसको हम इस डायग्राम से कर सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर एम्प्लॉयमेंट शो किया है, और ओ वाई एक्सिस पर हमने इनकम का जो लेवल है उसको शो किया है। और केंज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों कैसे संबंधित हैं एक दूसरे से, अनुपातिक संबंध है इनमें, तो अनुपातिक संबंध होने का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। तो केंज के अकॉर्डिंग ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये बिल्कुल इन दोनों एक्सिस के मिड में यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट करेगी। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये 45 डिग्री एंगल पर बनाई गई है, और ये क्या शो कर रही है कि यदि एम्प्लॉयमेंट लेवल OL1 है तो उस स्थिति में जो इनकम का स्तर है वो कितना है, वो है AL1, और यदि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है ये OL2 हो जाता है, तो ये जो इनकम का लेवल है वो भी बढ़कर A1L2 हो जाता है। तो इस तरह से इन दोनों में इस तरह का संबंध है। अब हम केंजन विचारधारा में जो समग्र मांग फलन है मीन्स जो AD फंक्शन या AD कर्व है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो केंजन विचारधारा में जो समग्र मांग फलन है वो उपभोग फलन और निवेश फलन का जोड़ है। तो मीन्स AD किसका योग है, C+I का योग है, और C+I का योग है, और यहाँ पर जो निवेश है जिसके हम बात कर रहे हैं, हम बात करें यहाँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बच्चों ने पहले किया है कि जो निवेश स्वतंत्र निवेश होता है मीन्स जिसका लाभ से
कोई भी प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है, लाभ से जो इफेक्टेड नहीं होता, उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और केज यहाँ पर उसी निवेश की बात कर रहे हैं। तो यदि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और इस कर्व में हमने ओ एक्स एक्सिस पर इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट या जिसको वाई कह रहे हैं वो शो किया है, और ओ वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड शो कर दी, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसका योग है? सी प्लस आई का। तो यदि हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना है तो हमें निवेश का स्तर पता होना चाहिए, और निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, स्वतंत्र निवेश है जो गवर्नमेंट करती है। तो निवेश का जो कर्व होगा वो कैसा होगा? वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व है अकॉर्डिंग टू केज। और जो कंजम्पशन वक्र बनेगी वो कैसी बनेगी? वो पॉजिटिवली स्लोप्ड बनेगी, क्योंकि जो सी होता है वो किसका फलन होता है? वो फलन होता है वाई का। यदि वाई बढ़ता है तो सी भी बढ़ता है, वाई कम होता है तो सी भी कम होता है। मतलब यदि इनकम गिरती है तो कंजम्पशन भी कम हो जाता है, और यदि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो जो कंजम्पशन कर्व है वो इस तरह से पॉजिटिवली स्लोप होगी। तो ये मैंने यहाँ पर आपको सी सी मीन्स कंजम्पशन वक्र जो है वो ड्रॉ करके दिखाई है। और जो एडी कर्व है वो क्या होगा? वो इन दोनों का समीशन हो जाएगा, इन दोनों का योग होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट लेवल है ये वाला, इतना ही यदि हम सी कर्व में एड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा? एडी कर्व हो जाएगा, जो कि सी प्लस आई का योग है। तो अभी मैंने बच्चों आपको ए एस और एडी कर्व ड्रॉ करना सिखाया था। तो अभी हम उन दोनों कर्व्स की हेल्प से जो इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन है वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझ रहे हैं हम। तो ये तालिका बनी हुई है आपके सामने। इस तालिका में मैंने फर्स्ट कॉलम में जो शो किया है वो मैंने शो किया है एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन्स रोजगार का स्तर। ई एम यहाँ पर रोजगार के स्तर को दर्शा रहा है। ये रोजगार का स्तर आप 1000 में लिख सकते हैं। दूसरा कॉलम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का है मीन्स समग्र पूर्ति का है, या फिर आय को भी दर्शाता है ये, जो हमने करोड़ में ले ली है। और ये है कुल मांग मीन्स समग्र मांग, अनुसूची है ये जो कि समग्र मांग को दर्शा रही है, ये भी करोड़ में हमने शो कर दी है। अब जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो हमने सिंप्लिसिटी के लिए वैल्यूज ली हुई है। जीरो, यदि एम्प्लॉयमेंट लेवल जीरो है तो क्या होगा? इनकम भी जीरो होगी। इनकम के जीरो होने पर भी एग्रीगेट डिमांड तो रहेगी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अर्न नहीं कर रहा है, और अर्न ना करने का मतलब ये तो नहीं है वो कंजम्पशन नहीं करेगा, वो कंजम्पशन भी करेगा। ये जो वैल्यू 20 है ये क्या शो कर रही है? ये इनकम के जीरो होने पर भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो कर रही है, क्योंकि एडी किसका योग होता है? सी और आई का, उपभोग और निवेश व्यय का। तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है? 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी, तो हमने आय की भी वही वैल्यूज यहाँ पर शो की हैं जो हमने यहाँ पर शो की हैं। और एग्रीगेट डिमांड सी और आई का योग है, तो एग्रीगेट डिमांड हमने जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 20 शो की है, और फिर जैसे जैसे आय बढ़ रही है ये भी बढ़ रही है। लेकिन नेचुरली इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो उपभोग होता है वो उतना तेजी से नहीं बढ़ता जितना कि इनकम बढ़ती है। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं? हम सेविंग करना भी शुरू कर देते हैं। तो मींस आप ये देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पर ए एस ए डी के बराबर हो जाए। अब इस तालिका में वो कौन सा स्तर है? वो ये वाला पॉइंट है जहां पर ए एस और ए डी एक दूसरे के बराबर है। तो ये संतुलित रोजगार का स्तर हो गया, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई, और ये वैल्यू हो गई एग्रीगेट डिमांड की। इसी तालिका को मैं इस डायग्राम से शो कर रही हूँ। मैंने यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर आय का स्तर दर्शा दिया इन करोड्स, एंड ओ वाई एक्सिस पर हमने दिखा दिया एग्रीगेट डिमांड जो कि योग होती है सी और आई का। अभी मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो पूर्ति वक्र होता है, पूर्ति वक्र होता है बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पर हम इसको बना सकते हैं। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व मैंने ड्रॉ किया है जो कि 45 डिग्री एंगल पर ड्रॉ किया गया है। और ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कैसा होता है? वो जैसे क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी ये 20 है, तो 20 वैल्यू मतलब ये ओरिजिन पॉइंट से कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर हैं। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? यहाँ इस पॉइंट के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई है इस सिचुएशन में, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है,
और इस पॉइंट से पहले यहाँ क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं एडी कर्व एएस कर्व से ऊपर है। तो मीन्स यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर सिचुएशन है कि एडी जो है वो एएस से ज्यादा है, तो एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। तो अब इन दोनों सिचुएशंस की इम्प्लीकेशन क्या रहेगी कि यदि ये स्थिति है, मीन्स एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है यदि, तो यहाँ क्या होगा कि जो वस्तुएं हैं वो अर्थव्यवस्था में बिना बिके रह जाएंगी, मतलब अनबिका माल जो है वो रह जाएगा। तो उत्पादक क्या करेंगे, वो उत्पादन में कटौती करेंगे आने वाले समय में, और फिर से क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई में कटौती हो जाएगी, कम हो जाएगी वो, और फिर से इक्विलिब्रियम में अचीव किया जा सकेगा, वो एडी के बराबर हो जाएगी। और जहां तक इस सिचुएशन की बात है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि डिमांड करने वाले तो ज्यादा हैं लेकिन वस्तु की पूर्ति क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या है, उत्पादों का जो वर्तमान स्टॉक है वो तो बिकी गया लेकिन मांग और भी की जा रही है। तो इस स्थिति में क्या है, जो उत्पादक है वो ये प्लान करेंगे कि भविष्य में आगामी वर्षों में वो क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाएंगे, जिसकी वजह से एएस बढ़ जाएगा और वो फिर से क्या होगा, एडी के बराबर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम का अचीव किया जा सकेगा। तो मीन्स यहाँ पर इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई ओ क्यू, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितने लोगों को मिल गया, वो मिल गया यहाँ पर 40,000, अगर ये हजार में शो कर रहे हैं तो 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो मेरी जो डायग्राम है उसमें यही मैंने ई पॉइंट से शो किया है, आप ये डेटा भी यूज कर सकते हैं जो टेबल में शो किया है, मैंने इसको सिंपली आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया है। अब नेक्स्ट अप्रोच आ जाती है बचत निवेश दृष्टिकोण की हेल्प से हम किस तरह से संतुलन की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो केंज के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण उस स्थिति में होगा जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाए, सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। इसको हमने इस टेबल में शो किया है, देखिए Y की वैल्यूज है यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से हमने आय का जो स्तर है वो दर्शा दिया है। अब ये आय क्या है, ये करोड़ में है आय, या जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। और नेक्स्ट कॉलम में हमने शो किया है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन जो है वो है 10, 15, 20, इस तरह से हमने शो कर दिया है, क्योंकि वाई बढ़ने पर सी बढ़ता है, वाई कम होने पर सी कम हो जाता है, लेकिन इनकम के जीरो होने पर भी जो उपभोग है उसका मिनिमम लेवल रहता है, इसलिए हमने उपभोग की यहाँ एक मिनिमम वैल्यू जो है वो शो कर दी है। और वाई में से यदि सी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी, क्योंकि जो वाई होता है वो किसका योग होता है, सी प्लस एस का। तो ये y है ये c है, यदि हमें सेविंग निकालनी है तो हम y में से c को माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सेविंग के हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, 10 माइनस 15 किया तो हमारे पास माइनस 5 आ गया, इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, यहाँ पर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो कि स्थिर रहता है, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल पूरी ही तालिका में 10 हमने शो कर दी है। तो यदि हम इनको डायग्राम में शो करते हैं तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व ड्रॉ करूंगी, क्योंकि हम बचत और निवेश दृष्टिकोण की यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस तालिका के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने ओ एक्स एक्सिस पर इनकम और आउटपुट शो कर दिया, इनकम और आउटपुट का लेवल यहाँ पर शो कर दिया, और यहाँ हम ले रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, दोनों को हम यहाँ शो कर रहे हैं ओ वाई एक्सिस पर। और जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है, वो रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये जो कर्व है ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो कैसा रह रहा है, इनकम के लेवल के अकॉर्डिंग मींस एएस के अकॉर्डिंग वो क्या है, स्थिर रह रहा है। तो आई आई जो है इन्वेस्टमेंट कर्व होगी, आप चाहे तो डाटा शो कर दें नहीं तो डायग्राम का ऐसे भी बनाया जा सकता है। और सेविंग कर्व क्या होगी, सेविंग कर्व हमारे नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगी, क्योंकि सेविंग जब इनकम का लेवल जीरो है तब भी कंजम्पशन किया जा रहा है, तो नेचुरली जितना पॉजिटिव वैल्यू कंजम्पशन की होगी उतनी नेगेटिव वैल्यू यहाँ सेविंग की आ जाएगी। तो सेविंग क्या है, वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस शो कर रहे हैं हम। तो जो जितना यहाँ पर हमने माइनस 10 शो किया है, इस माइनस 10 को हम शो करते हुए ये सेविंग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ये आगे हमारे पास एस एस सेविंग कर्व आ गई। अब ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम
लेवल हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का जो इक्विलिब्रियम संतुलन स्तर है वो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ये जो सिचुएशन है ये क्या शो कर रही है कि इस पॉइंट पर तो ये स्थिति है, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, आप देख सकते हो सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व से ऊपर है। तो मीन्स यहाँ पर इस स्थिति में क्या हो रहा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। यदि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं, व्यय जो हो रहा है वो कम हो रहा है। व्यय कम होने से क्या होगा कि जो वस्तुएं हैं वो बिना बिके रह जाएंगी अर्थव्यवस्था में। तो उत्पादकों ने निवेश तो ज्यादा किया हुआ है, लेकिन जो बचत करने की वजह से वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में कम है, तो वस्तु कैसी है, बिना बिके रह जाएंगी। यहाँ पर बिना बिके रहने के वजह से क्या होगा, जो उत्पादक है वो क्या करेंगे, आगामी वर्षों में उत्पादन कम करेंगे, जिसके फलस्वरूप मीन्स इस सिचुएशन में सेविंग के ज्यादा होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट से सेविंग ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उत्पादन कम होगा। तो उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यदि कम हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि मीन्स जो निवेश है वो भी कम हो रहा है। निवेश कम होने से क्या होगा, हमारी जो आय है वो भी कम हो जाएगी। आय कम होने से क्या होगा, सेविंग कम हो जाएगी। सेविंग कम होने के बाद वो क्या होगा, कम होते होते फिर से वापस इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। और ये जो लेवल है, ये पॉइंट, ये माइनस एस है यहाँ, तो इस ई पॉइंट से पर पहुंचने से पहले ये जो स्थिति है ये क्या शो कर रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट यदि सेविंग से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, व्यय ज्यादा हो रहा है और जो बचत है वो कम हो रही है, व्यय ज्यादा हो रहा है। तो मीन्स मांग तो वस्तु की ज्यादा है लेकिन उतनी इसकी अवेलेबिलिटी अर्थव्यवस्था में नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है उत्पादकों को क्या दर्शाएगी कि वो आगामी वर्षों में ज्यादा उत्पादन करें। तो उत्पादन यदि ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मीन्स निवेश ज्यादा करना पड़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो वापस वो क्या सिचुएशन आ जाएगी, सेविंग के बढ़ते बढ़ते वापस ई पॉइंट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का लेवल फिर से अचीव किया जा सकेगा। तो इस तालिका में जो ये इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमने शो किया हुआ है इस पॉइंट से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सेविंग की वैल्यू भी 10 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 10 है। तो प्यारे बच्चों, आप ADAS कर और सेविंग इन्वेस्टमेंट कर ड्रॉ करना सीख चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक ही डायग्राम में ADAS और सेविंग इन्वेस्टमेंट इन दोनों को एक साथ ड्रॉ किया और संतुलन को दर्शाया है। जैसे कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो 45 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करते हैं और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। तो नेचुरली यहाँ पर जो संतुलन होगा ई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर AS और AD एक दूसरे के बराबर हैं, तो इस संतुलन की स्थिति में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ई वन पॉइंट क्या शो कर रहा है, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है या इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो है OL। इसी तरह यहाँ पर भी ये क्या है, OL। तो संतुलन वही होगा जहां पर AS AD के बराबर हो जाए और ये क्या शो करता है कि सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो ये डायग्राम इसी सिचुएशन को दर्शा रहा है। और इक्विलिब्रियम से पहले यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में अधिक है। इसकी इम्प्लीकेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इस पॉइंट के बाद एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। और यदि हम सेविंग इन्वेस्टमेंट का कंपेरिजन करें तो इक्विलिब्रियम से पहले जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है और इक्विलिब्रियम के बाद सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से अधिक है। तो बच्चों, हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है कि संतुलन की स्थिति क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति में, अल्प रोजगार की स्थिति में और अति पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी संभव है। तो केंज जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार ये डेफिनेटली संभव है कि जो संतुलन है ये संतुलन हम पूर्ण रोजगार में भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है संतुलन की स्थिति में अल्प रोजगार की स्थिति हो और हो सकता है अति पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। तो संतुलन कब होता है, जहां पर AS और AD एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो अब हम इन्हीं तीन सिचुएशंस को, मीन्स पूर्ण रोजगार में संतुलन, अल्प रोजगार में संतुलन और अति पूर्ण रोजगार में संतुलन को इस एक डायग्राम से करेंगे। तो इस डायग्राम में
ये हम ओ एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इस ओ एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं इनकम, यहीं पर हम आउटपुट भी शो कर रहे हैं और यहीं पर हम एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उसको भी शो कर रहे हैं, और ओ वाई एक्सिस पर हम दर्शा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड जो कि बराबर होती है सी प्लस आई के। और हमें ये पता ही है कि जो इनकम होती है, इनकम का मतलब क्या है, वो एग्रीगेट सप्लाई को ही शो करती है, तो मीन्स ए एस यहाँ है और ए डी हमने यहाँ पर शो कर दिया है। और इस डायग्राम को बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि केंज जो है वो ये कहते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या होता है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व एम्प्लॉयमेंट लेवल पर निर्भर करता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी अनुपातिक तौर पर बढ़ती है। तो मीन्स यदि हम यहाँ ए एस कर्व ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ए एस कर्व ड्रॉ करते समय जो ए एस की शेप आएगी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व की शेप आएगी, वो कैसी आएगी, वो शुरू में उसकी शेप ये रहेगी। तो मैंने यहाँ एक ये कर्व ड्रॉ की ओ ई, ये कर्व क्या शो कर रही है कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ने पर जो एग्रीगेट सप्लाई है मीन्स इनकम है वो भी अनुपातिक तौर पर बढ़ जाती है। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व की शेप है वो इस तरह से रहेगी। और जब पूर्ण रोजगार आ जाता है, पूर्ण रोजगार आने के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या रहेगा, वो पूरी तरह से बेलोचदार हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएगा। तो ये पूरा ओ ई कर्व, ये पूरा का पूरा ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है ये चीज कि इसकी ये शेप ऐसे यहाँ क्यों आई है और फिर ये ओ आई एक्सिस के समानांतर क्यों हो गया है, क्योंकि ई पॉइंट को यदि मैं इस एक्स एक्सिस से जोड़ देती हूँ तो ये जो लेवल आ गया ओ एल, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया, और अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी कितना आ रहा है, वो ओ एल हो रहा है, इनकम हमारी कितनी जनरेट हो रही है, ओ एल ही हो रही है। तो ई क्या है, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बन जाएगा यदि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति दर्शाना चाह रहे हैं। ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व भी आपने ड्रॉ करना सीखा था, ये जो ए डी होता है ये किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के। तो ये ओरिजिन बिंदु से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इनकम के जीरो होने पर भी जो एग्रीगेट डिमांड है उसका मिनिमम लेवल रहता है, तो ये जो है ये इसी को शो कर रहा है। और ये कर्व हमारा क्या है, ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और ई पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ए एस और ए डी, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, ई पर आ जाएगा। और यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम में ई पॉइंट पर ए एस तो ए डी के बराबर है ही, साथ में ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को ही दर्शा रहा है, क्योंकि हमारे जितने साधन ओ एल थे वो सब क्या है, एंगेज हो चुके हैं, सबको काम मिल चुका है। और जब पूर्ण रोजगार आ जाता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं, तो नेचुरली उत्पादन तो उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि जितने रिसोर्सेज हमारे पास थे वो सब अब काम पर लग गए हैं। और इस पूर्ण रोजगार की स्थिति में यहाँ पर जो आयोजित मीन्स प्लान्ड जो उत्पादन है वो यहाँ बराबर है आयोजित व्यय के, और जो रोजगार का स्तर है वो यहाँ पर कितना है, जो हमने डायग्राम में शो किया है, ये ओ एल क्या है, उस स्तर को दर्शा रहा है। दूसरी स्थिति क्या है, अल्प रोजगार में संतुलन। तो केंज के अनुसार अल्प रोजगार में भी संतुलन संभव है यदि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को पूर्ण रोजगार स्तर से पहले ही कट कर ले। पूर्ण रोजगार का स्तर ये है, यदि इससे पहले ही एग्रीगेट डिमांड कर्व ए एस को कट कर देता है और ए डी कर्व बन जाता है ए डी वन, तो इक्विलिब्रियम अब कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा ई वन, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो कितना हो गया एल वन। तो हमारे ये जो साधन है एल एल वन, ये क्या हो गए, ये साधन हो गए बेरोजगार। और इसी डायग्राम में हम अति पूर्ण रोजगार स्थिति को भी दर्शा सकते हैं, यदि ए डी कर्व जो है वो ए एस के बराबर पूर्ण रोजगार के बाद के स्तर पर होता है, मीन्स ए डी कर्व कहीं इस तरह से कट करता है ए एस कर्व को, तो अब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ई टू। तो इस इक्विलिब्रियम लेवल पर अब जैसे पूर्ण रोजगार तो है यहाँ ओ एल पर, पहले पूर्ण रोजगार प्राप्त हो चुका है, तो इसके बाद यदि ए डी बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ती है, तो उससे उत्पादन तो बढ़ने से रहा क्योंकि यहाँ सभी साधन एंगेज हो चुके हैं, तो ये जो ए डी का बढ़ना है, समग्र मांग यहाँ जो बढ़ रही है वो सिर्फ इन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को लाएगी, मीन्स कीमत का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो इस डायग्राम में पूर्ण रोजगार की स्थिति हम ई पॉइंट से शो कर रहे हैं,
अल्प रोजगार की स्थिति हमने E1 पॉइंट से शो की है और अति पूर्ण रोजगार की स्थिति हमने E2 कर्व की हेल्प E2 पॉइंट की मदद से शो की है। अब हम इन तीनों सिचुएशंस को इस डायग्राम से भी करेंगे। इसमें हम क्या शो करेंगे, यहाँ हम OX एक्सिस पर जैसे कि हमने यहाँ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट शो किया था, उसी को यहाँ शो कर रहे हैं। इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ शो कर दिया और यहाँ OY एक्सिस पर इस डायग्राम में हम शो कर रहे हैं प्राइस लेवल। और बच्चों आपको इस डायग्राम में ध्यान रखना है कि जो केन्स हैं उनका ये मानना था, उनकी विचारधारा ये थी कि जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक जो एयर्स वक्र होता है, जैसा हमने यहाँ तो ऐसे ड्रॉ किया इसको, लेकिन इस डायग्राम में ये जो एयर्स वक्र है वो पूर्णतया लोचशील होगा जब तक कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। तो मीन्स पूर्णतया लोचशील होने का मतलब क्या है, एयर्स वक्र इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा और यहाँ पर क्या है, कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कीमत में परिवर्तन ना होने की वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और यदि ये हम पूर्ण रोजगार का पॉइंट मान लें ई, मींस यदि इसको मैं एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दूं तो ये जो ओ एल स्तर है ये फुल एम्प्लॉयमेंट का स्तर है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तक जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पूर्णतया लोचदार रहेगा। और इसमें केन ने यह भी माना है तकनीक स्थिर रहती है, मीन्स श्रम की कार्यकुशलता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह के अजम्पशंस के बेसिस पर ही हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। और इस पॉइंट के बाद, ई पॉइंट के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कैसा हो जाएगा, पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति तो हम प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पूर्ण रोजगार ई पॉइंट पर आ ही जाएगा क्योंकि हमारे पास साधन कितने हैं, ओएल साधन है। तो ओएल साधन यूज होने के बाद क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगा। तो पॉइंट ए टू ई ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, और ई पॉइंट टू ए एस ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा एक ए एस वक्र बन गया, एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन जाएगा। और यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम आएगा ए एस यहाँ ए डी के बराबर हो। तो जब हम AD को एग्रीगेट डिमांड को प्राइस लेवल से जोड़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होगा, एग्रीगेट डिमांड का प्राइस लेवल से नेगेटिव रिलेशन है क्योंकि प्राइस के घटने पर AD बढ़ेगी और प्राइस के बढ़ने पर AD कम होगी। तो इस वजह से जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कैसा होगा, वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व यदि हम इसको प्राइस लेवल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ गया क्योंकि यहाँ पर ए एस और ए डी एक दूसरे के बराबर हैं। और ये क्या है, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है क्योंकि ओ एल साधन यहाँ पर पूरी तरह से यूज किए जा रहे हैं ई वन। और दूसरी स्थिति अल्प रोजगार की स्थिति कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि यदि एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो इससे कम हो, मीन्स यदि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर कहीं एग्रीगेट सप्लाई कर को कट कर रही है, मीन्स ये नीचे है, इस कर से जितनी एग्रीगेट डिमांड तो चाहिए पूर्ण रोजगार के लिए इतनी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कर एक्चुअल में क्या है AD1, तो जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ आ रहा है, पॉइंट पर आ रहा है। और यहाँ पर साधन कितने रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं, OL1। तो ये जो साधन है ये क्या है, ये पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये है अल्प रोजगार की स्थिति। और यदि हमारा एग्रीगेट डिमांड कर एग्रीगेट सप्लाई कर को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद कहीं पर कट करता है, जैसे कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट शो करता है अति पूर्ण रोजगार का संतुलन स्तर। ई टू पर भी ए एस और ए डी एक दूसरे के बराबर हैं, किंतु यहाँ पर पूर्ण रोजगार हम पहले अचीव कर चुके हैं और एग्रीगेट डिमांड कर उसके बाद यहाँ कट कर रहा है, तो इसका इकोनॉमी में मीन्स जो लेवल ऑफ सप्लाई है वो बढ़ने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम E2 जो शो हो रहा है वो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल शो हो रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अचीव करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट का स्तर तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन ये जो E2 पॉइंट है ये क्या करेगा, ये जो हमारा कीमत स्तर है उसको बढ़ा देगा क्योंकि यहाँ पर मांग क्या है, मांग पूर्ति से ज्यादा है। तो पहले जो प्राइस OA थी वो कितनी बन जाएगी, वो OP बन गई। तो मीन्स ये मुद्रा स्फीति की सिचुएशन है, जब एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद AS को कट करती है तो वो एक तरह से मुद्रा स्फीति की सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में क्रिएट कर देती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं AD वक्र में गतिशीलता, मीन्स मूवमेंट अलोंग द AD लाइन, और AD वक्र का खिसका, मीन्स शिफ्ट इन AD लाइन। तो हम सबसे पहले
इसकी बात कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द एडी लाइन। तो ये जो एडी लाइन में मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिपेंड करती है नेशनल इनकम पर। नेशनल इनकम के बढ़ने से एडी बढ़ती है और नेशनल इनकम के कम होने से एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है इसको बोलते हैं विस्तार हो जाना, समग्र मांग का विस्तार। और इसको हम कहते हैं जब नेशनल इनकम के कम होने से एडी कम होती है तो उसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड में संकुचन हो रहा है। इसको हम एक सिंपल से डायग्राम से शो करते हैं। जैसे मैंने ओ एक्स एक्सिस पर यहाँ पर नेशनल इनकम, जिसको जीडीपी भी कहते हैं, वो ले लिया, और ओ वाई एक्सिस पर मैंने शो की है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड कर बच्चों आपने ड्रॉ करना सीखा ही था, तो मैं वैसे ही एग्रीगेट डिमांड कर ड्रॉ कर रही हूँ जैसा मैंने अभी आपको समझाया। तो ए डी किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर है। और मैं एक इनिशियल लेवल ऑफ नेशनल इनकम यहाँ शो कर रही हूँ जो कि ओ एन है। इस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड कितनी है ये हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड हमारी है ए डी। यदि नेशनल इनकम बढ़ जाए और ये बढ़कर ओ एन वन हो जाए, ओ एन वन होने की वजह से तो एग्रीगेट डिमांड भी कितनी हो जाएगी, इसको मैं इस एक्सिस से ज्वाइन कर दूंगी, ए डी वन हो गई। एग्रीगेट डिमांड पहले से तो एग्रीगेट डिमांड भी कितनी हो जाएगी, इसको मैं इस एक्सिस से ज्वाइन कर दूंगी, ए डी वन हो गई। एग्रीगेट डिमांड पहले से इंक्रीज हो गई, एक्सटेंड हो गई है। तो इसको मैंने नेम दे देना ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट। तो यदि हम ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या है, मूवमेंट हो रहा है, ए डी वक्र में गतिशीलता आ रही है, हम ए पॉइंट से बी बिंदु की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये है ए टू बी यदि हम जा रहे हैं तो ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड का संकुचन, सॉरी एग्रीगेट डिमांड का विस्तार। और इसी तरह यदि नेशनल इनकम कम हो जाती है और ये कम होकर हो गई N2 होने पर एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, पहले से कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड हमारा ये हो जाएगा AD2। एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो इसको हम नेम दे देते हैं, यदि हम A से C बिंदु की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या है, वो शो करता है एग्रीगेट डिमांड का संकुचन। तो ये है आपका पूरा मूवमेंट अलोंग द एडी लाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, शिफ्ट इन एडी लाइन। यहाँ पर वही ओ वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड है और ओ एक्स एक्सिस पर नेशनल इनकम है। तो हम शिफ्ट कैसे दर्शा सकते हैं, कि जो आय यदि निर्धारित है, निश्चित है, तो इस निश्चित आय के स्तर पर भी एग्रीगेट डिमांड बदल सकती है, क्योंकि एडी किसका जोड़ होता है, एडी सी प्लस आई का योग होता है। तो इनमें से किसी में भी परिवर्तन आने पर एग्रीगेट डिमांड बदलेगी। तो ये वैसा ही जैसे मैंने यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर ड्रॉ किया था, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड कर ड्रॉ कर रही हूँ। अब क्या होगा, मूव नहीं करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ये जो एग्रीगेट डिमांड कर रहा है पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा अगर इसके किसी भी कंपोनेंट में चेंज आता है तो। और ये एडी वक्र क्या है, अर्थव्यवस्था में जो डिजायर्ड लेवल है समग्र मांग का उसको दर्शा रहा है। तो यदि एग्रीगेट डिमांड इससे कम हो जाए, मीन्स ये शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट होकर एडी वन हो गया, ये वक्र नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये क्या दर्शाता है, एडी वन दर्शा रहा है समग्र मांग की कमी को। और यदि एग्रीगेट डिमांड कर इस कर्व से, इनिशियल कर्व से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये दिखाएगा एग्रीगेट डिमांड कर की जो वृद्धि हुई है उसको दर्शाएगा ये। और इस डायग्राम में जो इनकम का स्तर है, मीन्स नेशनल इनकम का जो स्तर है वो कितना है, इसको हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं एक्स एक्सिस से, वो है ओ एन। तो राष्ट्रीय आय के ओ एन स्तर पर इनिशियल हमने ए डी दिखाई ई एन, और फिर ए डी वक्र जब नीचे शिफ्ट हो गया तो ए डी कितनी हो गई, ई वन एन। तो ये जो यहाँ से यहाँ नीचे हम आए, शिफ्ट हुए, ये क्या दर्शाता है, ये वक्र समग्र मांग में होने वाली कमी को दर्शाता है। तो समग्र मांग में कमी होने की वजह से एडी क्या है, पहले के लेवल से नीचे आ जाती है। और यदि एडी बढ़ती है तो हम ई पॉइंट से ई टू पर शिफ्ट होते हैं अगर, तो ये क्या दर्शा रहा है, हम इससे इधर शिफ्ट हुए हैं, तो एडी टू वक्र जो है वो दर्शा रहा है समग्र मांग में होने वाली वृद्धि को। तो बच्चों अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है, एक खुली अर्थव्यवस्था में आय या उत्पादन का निर्धारण किस तरह से हो सकता है।
खुली अर्थव्यवस्था मीन्स ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी कैसी? जिसमें कि एग्रीगेट डिमांड को हम कैलकुलेट करते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम की हेल्प से। तो बंद अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड के ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सी आई और जी, तो उसको हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था में क्योंकि ये कंपोनेंट और ऐड हो जाता है, तो इस वजह से एग्रीगेट डिमांड जो खुली अर्थव्यवस्था की होगी उसका जो स्तर होगा बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में जो एडी होता है उससे ऊंचा रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। एडी वक्र आपने ड्रॉ करना सीखा है। यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर वही नेशनल इनकम लिया है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड लिया है, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो 45 डिग्री एंगल पर बना हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व एक क्लोज्ड इकोनॉमी का, जो इकोनॉमी क्लोज्ड है उसका एग्रीगेट डिमांड कर्व मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। और अगर हम इसमें शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व ओपन इकोनॉमी का, ये इससे कहीं ऊपर एग्जिस्ट करेगा। ये है एडी ओपन इकोनॉमी का मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ऐड कर रहे हैं इम्पोर्ट माइनस कर रहे हैं, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये ऊंचा रहेगा। हाँ, यदि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो तब इसकी वैल्यू कम आ सकती है, नहीं तो इसका जो स्तर है ये पहली क्लोज इकोनॉमी के एडी से ऊपर रहेगा। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर एएस और एडी एक दूसरे के बराबर हो, तो क्लोज इकोनॉमी में तो इक्विलिब्रियम रहेगा ये। तो यहाँ ई जो है वो क्लोज इकोनॉमी के जो आउटपुट का लेवल है, नेशनल इनकम का लेवल है, उसको दर्शा रहा है। ये ओ एन लेवल है। और ओपन इकोनॉमी की बात करें तो इसका एडी जो है इससे ज्यादा है, तो मीन्स इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? ई वन पॉइंट पर होगा। और नेशनल इनकम का स्तर जो है वो रहेगा जो कि इससे ज्यादा है। तो बच्चों, आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं उनके बेसिस पर आप अपना होमवर्क नोट कर लें। सबसे जो पहले आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन आय तथा रोजगार के स्तर के निर्धारण की व्याख्या कुल मांग तथा कुल पूर्ति वक्रों की सहायता से कीजिए। और दूसरा आप करेंगे बचत तथा निवेश फलन के संदर्भ में उत्पादन के संतुलन स्तर के निर्धारण की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपने क्लासिकल और केंजियन अप्रोच दोनों को करना है। आपने दोनों अप्रोचेज में एडीएएस की हेल्प से भी संतुलन किया था और एस और आई की हेल्प से भी संतुलन किया था। और लास्ट क्वेश्चन है, अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है? रेखा चित्र के द्वारा इसकी व्याख्या करें।